एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि मोबाइल फ़ोन से प्लेन का टिकट कैसे बनाते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर मेक माय ट्रिप एप्लीकेशन से ये बताइए कि प्लेन का टिकट कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मेक माय ट्रिप से आप प्लेन का टिकट बनाएंगे। आप यकीन मानिए कि इतना डिटेल में और इतना अच्छा तरीका से आपको शायद ही पूरे YouTube पे कोई समझाया होगा कि किस तरीके से मेक माई ट्रिप से मोबाइल फोन से ही आप किस तरीके से प्लेन का टिकट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लेन का टिकट बुक करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेक माई ट्रिप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, जिसको आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर रखा हूं, तो ये यहां पे ओपन का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 50 मिलियन से ज़्यादा भी डाउनलोड है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा ये एप्लीकेशन होगा। इसका रेटिंग भी देख रहे हैं 4.2 का है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है ईमेल आईडी का। आप ईमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हैं या मोबाइल नंबर से भी हो सकते हैं। चलिए हम मोबाइल नंबर चूज कर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर एड हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। OTP यहाँ पर आपको डाल के, और यहाँ पर देखिए OTP डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं। सिंपली बैक आएंगे, यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, जो भी नाम है। जैसे मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ राजा, इस तरीके से सेव कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आपका नाम यहाँ पे सेव हो चुका है और आप जो है इस ऐप पे आप रजिस्टर आप हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट बुकिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो आपका जो एप्लीकेशन है वो ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल, ट्रेन, बस, हॉलीडे पैकेज भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियो में मेनली बताने वाला हूँ कि आप फ्लाइट का टिकट कैसे बुक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफर वगैरह भी यहाँ पर चल रहा है, जो ऑफर का यहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। अटेंडिंग पे फ्लाइट पर भी ऑफर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए 10% फ्लाइट पर डिस्काउंट है। होटल पर क्लिक करके यहाँ पर होटल पर भी 12% डिस्काउंट है। इस तरीके से यहाँ कैब वगैरह अगर बुक करना चाहते हैं तो यहाँ कैब वगैरह पर क्लिक करके यहाँ 30% डिस्काउंट है। सो इस तरीके से अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमको फ्लाइट बुक करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाता है, फ्लाइट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कि वन वे, राउंड और मल्टीपल। जैसे वन वे पे आप क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आप जा सकते हैं, अगर राउंड ट्रिप पे क्लिक कीजिएगा इस पर तो आप जा और आ सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मल्टीपल पर क्लिक करके जैसे आप ट्रेन में देखते हुए कि ट्रेन जो हर स्टेट में रुकते हुए जाती है, तो उसी तरीके से प्लेन जो है हर कंट्री में रुकते हुए जाएगी, अगर आप इंटरनेशनल टिकट बुक कर रहे हैं तो। अगर आप नेशनल ही बुक कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ स्टॉपेज होगी वो वहाँ वहाँ रुकते हुए जाएगी। तो आपको सिर्फ जाना ही है तो यहाँ पे वन वे वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जाना कहाँ से चाहते हैं वो फॉर्म वाले में डालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको DEL शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, दुबई का DXB आता है। जैसे ट्रेन में देखते हुए ना कि दिल्ली का NDLS रहता है, या अगर पटना है तो PNB रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी है, आपको प्लेन भी शॉर्ट में है। तो इस तरीके से आप कहाँ से जाना चाहते हैं वो फॉर्म वाले में डालेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं यहाँ पर दिल्ली डाल लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर दिल्ली डाला तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर देखिए दिल्ली एयरपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे टू में डालना है। तो यहाँ पे टू वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, कोई कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में कहीं जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, या आपको यहाँ पे लिस्ट में भी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि बम्बई, न्यू दिल्ली, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया बेंगलोर इंडिया, पुणे इंडिया, हैदराबाद या कोलकाता, चेन्नई, गोवा, या इस तरीके से आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए कि आपको जो है अदर कंट्री, मतलब दूसरा कंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लंदन, पेरिस का ऑप्शन है। अगर इसमें आपको शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दुबई, यहाँ पर देखिए दुबई डाल, यहाँ पर देखिए आ चुका है दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो चुका है दुबई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा डेट में आप जाना चाहते हैं।
अगर आप यहाँ राउंड ट्रिप चूज किए रहते तो यहाँ पे रिटर्न डेट भी डालना पड़ता कि कब कौन सा डेट में आप आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ डेट वाले पे क्लिक करेंगे और कौन सा डेट में आप जो जाना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे आ जाता है। इसमें से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं जो हरा वाला जो शो हो रहा है उसी डेट में आपको जो है प्लेन है, और यहाँ पर डेट के नीचे उसका पैसा भी शो हो रहा होगा। जैसे ट्रेन वगैरह में देखते हुए अगर जितना बाद का टिकट बनाते हैं उतना कम पैसा लगता है, जितना नज़दीक का टिकट बनाते हैं उतना ज़्यादा पैसा लगता है। इसे ट्रेन में देखते हुए तत्काल बनाते हैं तो ज़्यादा पैसा लग जाता है, जैसे हम कहीं जाना है परसों जाना है तो ज़्यादा पैसा लग जाता है, या हम दो तीन महीने के बाद का बनाते हैं तो हमको कम पैसा लगता है। उसी तरीके से यहाँ प्लेन में भी है, जितने बाद का बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा पैसा कम लगेगा, और जितना नज़दीक बनाइएगा उतना आपको पैसा क्या आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट के नीचे जो ग्रीन आपको पैसा का शो हो रहा है उसी डेट में आपको जो प्लेन अवेलेबल है, बाकी जहाँ पे हरा मतलब ग्रीन जो शो नहीं हो रहा है उस डेट में प्लेन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो डेट में शो हो रहा है उसको आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमको 24 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए एड हो चुका है, यहाँ डन वाले पर क्लिक करके इसको आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर ट्रेवल्स पर क्लिक करके अपना पैसेंजर ऐड कर लीजिए, कितने आदमी जैसे आप कितने एडल्ट है, तो यहाँ पर देखिए एक है दो है तीन है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही है तो माइनस वाले पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे, बच्चे हैं तो उसको ऐड कर लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए चूज केबिन क्लास, यहाँ पर देखिए आपको इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी है, और यहाँ पर बिजनेस है और यहाँ फर्स्ट क्लास है। तो आप जो प्लेन में होता है उसमें फर्स्ट क्लास बहुत ही महंगा होता है, तो आपको क्या करना है प्रीमियम इकोनॉमी पर क्लिक करके आपको क्या करना है प्रीमियम इकोनॉमी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन कर लेना। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम इकोनॉमी एड हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ देखिए कि फिल्टर्स न्यू है, डबल सीट और स्टूडेंट का न्यू एड हुआ है। इस तरीके से आपको क्या करना है सर्च वाले पर क्लिक करके आपको इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो भी फ्लाइट है उस डेट में वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 बजे जाएगी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब ये जो आपको पहुँचाने का है रात का है मतलब 12:30 बजे, मतलब 12:35 पे पहुँचाने का है तो रात का, तो यहाँ पे 4 घंटा में और नए नए स्टॉप है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे 21:20 पे न्यू दिल्ली से है, और शारजाह स्टेशन जो दुबई है वहाँ पे आपको उतारेगी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 22:40 है और यहाँ पे 1 स्टॉप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो आपको ऑप्शन पर शो हो रहा होगा नॉन स्टॉप, यहाँ पे लेट डिपार्चर और 1 स्टॉप, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कीजिएगा तो प्लेन वही आएगा जो स्टॉपेज रहेगा। यहाँ पर देखिए ये प्लेन में स्टॉपेज तो आ गया है। अगर हम नॉन स्टॉप और स्टॉप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो जो नॉन स्टॉप प्लेन होगा स्टॉप प्लेन होगा दोनों आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन स्टॉप और यहाँ पे वो स्टॉप, तो यहाँ पे 1 स्टॉप है, यहाँ पर नॉन स्टॉप है। इस तरीके से यहाँ पे लेट डिपार्चर पे क्लिक करके इसको तीनों को आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों का तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आदमी जाए तो जो है नॉन स्टॉप प्लेन में ही जाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता है कहीं रुके, तो इस तरीके से आपको यह क्या करना है टिक मार्क हटा देना है, और यहाँ पर देखिए कि ये एड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए कि न्यू दिल्ली से 22 बजे जाएगी, और आपको यहाँ पे 12:30 पर रात में वो पहुँचाएगी, और इसका प्राइस भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12,000 जो 13,000 था 76 रुपया वो डिस्काउंट हो के आपको यहाँ 523 रुपया इंस्टेंट डिस्काउंट हुआ है, और यह 12,553 रुपया है। इस तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेड ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 12,553, यहाँ पर चिपिस्ट का है और यहाँ फास्टर का है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको इस पर क्लिक करके इसको भी आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं, ये फ्लाइट वगैरह को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पे फ्लाइट है। जैसे फ्लाइट बुक करना है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, फ्लाइट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो फ्लाइट का पूरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके ये आ जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लाइट डिटेल्स ये आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए नॉन स्टॉप है, यहाँ पे 3 घंटा 50 मिनट लगाएगा, और यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, यहाँ पे आपका पूरा जो फ्लाइट कितने बजे जाएगी कितना टाइम लगेगा और कितना बजे पहुँचाएगी वो सारे के सारे आ जाता है यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, और यहाँ पे आपको पैसा वगैरह आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते, प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यू दिल्ली से जाएगी या टर्मिनल 3 से जाएगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ जो दुबई जाएगी यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल यहाँ टर्मिनल 3 पे वो भी पहुँचाएगी, और यहाँ 3 से भी ये भी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी का जो भी है वो सारे के सारे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीमियम इकोनॉमी यहाँ पे आपको 13,984 रुपया, और यहाँ पे देखिए केबिन बैग 7 kg, उसके बाद चेक इन में आप 35 kg ले जा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिलेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है 7,000 रुपया आपको यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज
चार्ज लग जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ये प्रीमियम इकोनॉमी हो गया, यहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी स्टैंडर्ड है, यहाँ पे वैल्यू है प्रीमियम इकोनॉमी वैल्यू, प्रीमियम इकोनॉमी स्टैंडर्ड में आपको देख रहे हैं 14,807 रुपया। यहाँ कैबिन में इतने जा सकते हैं 7 KG, चेक इन में इतना और कैंसिलेशन में आपको 6,000 कटेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ प्रीमियम इकोनॉमी फिक्स में देख रहे हैं कि कैबिन में 7 KG, चेक इन में 40 KG और कैंसिलेशन फीस आपको लगेगा 6,000 रुपये। इसके अलावा और भी है, यहाँ मोर वाले पे जाके इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल आ चुका है, कौन कितने डेट में है, कितना बजे है, नॉन स्टॉप है, यहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी है। इसके बाद यहाँ पे आपका व्यू फ्लैट डिटेल, यहाँ व्यू फ्लैट डिटेल पे क्लिक करके इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल यहाँ पर देखिए, मैं जिसे क्लिक किया हूँ यहाँ पे फ्लैट डिटेल आ चुका है जो मैं आपको पहले दिखाया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैग पॉलिसी है, यहाँ पे कैबिन बैग 7 KG और चेक इन बैग जो है, आप जो बड़ा वाला बैग जो ले जाते हैं सामान वगैरह, वो आपको यहाँ 35 KG ले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सिक्योर योर बैगेज है, इसको यहाँ पर 236 रुपये में। इसके अलावा और भी बैग ले जा सकते हैं, एड बैग पर क्लिक करके इसमें आप एड कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं रिफंड पॉलिसी है जो है, यहाँ पर इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ टिकट इज अलाउ 5,493 रुपया। इस तरीके से आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको आपको क्या करना है एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर ट्रेवल, यस, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आपको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पे जो है इंश्योरेंस वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, जो आप इसको इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोमो कोड का है, प्रोमो कोड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई वाले पे क्लिक करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप ट्रिप में आपके साथ कुछ ऐसा वैसा घटना हो जाता है तो आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको सफ़र कर रहे हैं, आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तो आपको यहाँ पे $2,50,000 आपको मिलेगा। इसके तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका जो मेडिकल कोई मतलब ऐसा घटना हो जाता है सफ़र, तो आपको यहाँ पे $5,000 इमरजेंसी डॉलर मिलेगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपका जो बैगेज वगैरह अगर चोरी वोरी हो जाता है तो आपको यहाँ पे $7,500 में पैसे मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 12 मोर बेनिफिट्स है, आपको इसको ऐड कर लीजिए। इस पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारा आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे रखा है, इसको आप देख लीजिए कि ट्रिप में आपको साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो आपको ये पैसे जो है डॉलर में आपको मिलने वाले हैं। इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इस तरीके से हम देख आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि इंश्योर योर सेल्फ और का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेवल वगैरह में GST कटाना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर लीजिए। यहाँ पे ट्रेवल जो कर रहे हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। इसके बाद GST है तो आपको यस करेंगे, नहीं तो ऑप्शनल इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाता है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है गाइडलाइन, आपको कोरोना काल का स्थिति, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे क्योंकि हमको कोरोना काल में जाना नहीं है, तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। और यहाँ से आप पहले मैं डिटेल फिल करूँगा, पहले आपको एड न्यू डाल्टी पे क्लिक करके आपको जो पर्सन जाने वाले उसका यहाँ पे एड फिल कर लेना। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपको उसको एक बार इसको क्या करना है रीड कर लेना है। यहाँ पे जो जा रहे हैं उसका जो है मेल फीमेल, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि मेल है या फीमेल है, तो इसमें से आपको चूज कर लेना है। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पे आपको जो फूड वगैरह लेना है या नहीं लेना है तो इसमें से आप जो है अलाउ कर सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं इस तरीके से। एक के बाद यहाँ पे व्हील चेयर है, इसके बाद इस पर क्लिक करके आप व्हील चेयर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे इसमें से आपको ऐड करना है तो ठीक, नहीं तो इसको कंपल्सरी नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए कि ये जो आपको है फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपको मैसेज, मोबाइल पे मैसेज आपको आता रहता है और आपको व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज आता रहता है, तो इस तरीके से आपको ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अगर आपके पास GST नंबर है तो इस पर टिक करके GST नंबर डाल देंगे, नहीं तो सिंपली छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 13,992 रुपया आपको पेमेंट करना है, यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पे यस और नो करने का, तो यहाँ पे हम नो चूज कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि आपका पूरा डिटेल आ चुका है, आपका नाम आ चुका है, सरनेम आ चुका है, जेंडर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर इसमें सुधार करना चाहते हैं तो एडिट पे जाके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एड ऑन का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एड ऑन का ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे देखिए कि सीट का ऑप्शन है, इसमें से आप सीट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आगे क्या है, और यहाँ पे आप जैसे इसको इस तरीके से आगे पीछे करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फ्लैट यहाँ पर बुक हो रहा है आगे पीछे, इस तरीके से आपको आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपका पीछे का यहाँ पर जो बुक हो चुका है, और यहाँ पर आगे का खाली यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर में आपको शो हो रहा होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर ए बी सी डी करके यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रो और कॉलम है, यहाँ पर ए बी सी डी ई ऑफ करके, तो यहाँ पर आप कोई भी सीट इसमें से जो है ग्रीन वाला टिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बहुत सारा इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से आप जो है जो भी सीट बुक करना चाहते हैं उस पर आपको टिक कर देना। यहाँ देखिए रो और कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच का है, तो आप जो भी साइड में सीट बुक करना चाहते हो उस पर आपको टिक मार्क इस तरीके से यहाँ पे कर देना। यहाँ पे देखिए आपका राइड का टिक लग चुका है, और ये है आपका टिकट यहाँ पे बुक हो चुका है। यहाँ पे देखिए वन ऑफ वन सीट सिलेक्टेड, इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लेन में खाना पीना भी है तो यहाँ मेन्स वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल का ऑप्शन आ जाता है। आपको प्लेन में कौन सा खाना खाना है वो आप इसमें से बुक कर सकते हैं, यहीं से आपको बुक हो जाएगा। यहाँ पे अगर वेजिटेबल चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको वेजिटेबल खाना सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि नॉन वेजिटेबल हो तो यहाँ पर देखिए वेजिटेबल का ऑप्शन ओपन होकर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं कि नॉन वेजिटेबल हो तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है, और जो भी नॉन वेजिटेबल होगा यहाँ पे आपको सारे के सारे आ जाता है। इसको अगर आपको बुक करना है तो आपको इसको क्या करना है, इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे एड ऑन है, एड ऑन पर क्लिक करके यहाँ कैब वगैरह ही बुक कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैब है, ट्रैवल सर्विस है, तो चलिए हमसे वो क्या करना है ये सब तो बुक करना नहीं है, सिंपली हमको सीट बुक करना है, तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एड ऑन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आपका जो प्लान है वो आ चुका है, यहाँ पे कितने पर्सन है, और यहाँ पे एडिट पे जाके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, दूसरा मतलब दूसरा एड भी कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू एनी वन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारा बैंक आ चुका है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक। तो आपको जो भी बैंक से पेमेंट करना है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे हम SBI से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, SBI वाला पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन प्रोसीड होकर आ चुका है, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका न्यू दिल्ली से दुबई के लिए, और यहाँ पर देखिए एक आदमी है 27 मार्च है, और इस तरीके से आपका जो भी नाम है वो यहाँ नाम आ चुका है, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आए। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, और कार्ड होल्डर का जो भी नाम है वो डालेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं पे वाले पे, इस पर क्लिक करके आपको पे कर देना है, या आप यहाँ से UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग मोबाइल वेट से कर सकते हैं, पे लेजर से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का पूरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सब बैंक आ चुका है, जो भी बैंक से करना है आपको वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको स्टेट बैंक से करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि कुछ इंश्योरेंस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो कोई इंश्योरेंस होगा तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ आप कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप बहुत ही इजीली इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको जो पेमेंट गेटवे का है वो ओपन होकर यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर अपना यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो बैंक में दिए हुए हैं उस पर OTP आएगा। ऐसे OTP डालिएगा तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा, और आपके टिकट भी कंफर्म हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आप प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से प्लेन का टिकट बुक करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।